क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। देश के दुश्मनों हो जाओ सावधान। घाटी के पत्थरबाजों की अब नहीं है खैर। आतंकी अब नहीं कर पाएंगे उरी और पठानकोट जैसे हमले। क्योंकि इनसे निपटने के लिए हम हैं पूरी तरह तैयार। दंगाइयों से निपटने के लिए अब हमारे पास है ऐसा मिर्ची ड्रोन जिससे बिगड़े हालात से निपटने और पत्थरबाजों को खदेड़ने में होगी काफी आसानी। ये मिर्ची ड्रोन करीब 1 किलोमीटर तक हवा में उड़ सकता है और इससे निकलने वाली मिर्च पाउडर करीब 1000 लोगों की आक्रामक भीड़ को कर सकती है तितर बितर। अब आपको इंडियन आर्मी का दम भी दिखाते हैं। इस आधुनिक हथियार से इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे। ये है मैग मशीन जिसकी ताकत का अंदाजा शायद आपको ना हो। ये मशीन गन 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करने का मादा रखती है जो सामने वाले के दांत खट्टे कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक की है। अब भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के पास 250 ग्राम की सबसे छोटी लाइटवेट रिवॉल्वर भी आ गई है। फोर्स में तैनात महिलाएं इसे आसानी से कहीं भी छुपा सकती है। इन हथियारों से ही अब शहीदों की कुर्बानी का बदला लेंगे हम, क्योंकि ये है इंडिया की बदला मशीन। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया की बदला मशीन। आपने ये एक झलक देखी है कि कैसे देश के दुश्मनों का अब सफाया किया जाएगा। देश की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स कैसे बनेगी और ज्यादा स्मार्ट। दंगाइयों और पत्थरबाजों के अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और अब आपको हम दिखाएंगे वो कौन से हैं अत्याधुनिक हथियार जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले हैं। दिल्ली में CISF के डिफेंस एक्सपो में इन आधुनिक हथियारों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनंत तिवारी ने। दंगे की स्थिति से निपटने के लिए पहली बार दंगा निरोधक ड्रोन बनाया गया है जिसकी खासियत यह है कि इसके अंदर मिर्च पाउडर है और पहली बार यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। हालांकि अभी तक कोई सिक्योरिटी एजेंसी ने इस तरह के सिक्योरिटी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन पहली बार इंडिया में इस तरह का ये आप देख सकते हैं ड्रोन बन के तैयार किया गया है जिसकी खासियत यह है कि इसके अंदर आप जो देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है, इसके अंदर मिर्च पाउडर होगा और ये तमाम इसकी बैटरीज हैं और ये तमाम इसके फंक्शनल पार्ट्स हैं जिससे कि जब इसको अगर किसी भी दंगाई स्थिति से निपटने के लिए और जो दंगाइयां हैं उनको बाहर करने के लिए भीड़ को क्राउड को हटाने के लिए इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा और इसमें से मिर्च का पाउडर है वो निकलेगा और वो पूरे जितना भी एरिया है उस एरिया में फैलेगा और उसके बाद जितने भी जो हुड़दंगी हैं उनको ये इफेक्टेड करेगा और उसके बाद जो क्राउड है वो वहाँ से हटाया जा सकता है। पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और जिसके बाद हम बात करते हैं हमारे साथ जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से काम करेगा दंगों की स्थिति से निपटने के लिए? जी नॉर्मली क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब हम डिस्टेंस से उनको भीड़ को तितर बितर करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ साधन नहीं है। देखिए, जो पुलिस का कभी भी जो हम मतलब वो किसी को मारना नहीं चाहती है, जब पुलिस के बिल्कुल समीप आ जाता है क्राउड या तो वो फंसेंगे या तो दूसरा फंसेगा,
तो उसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज सब करना पड़ता है। कैसे काम करेगा सर ये? इसको हम कम से कम आप 500 मीटर एक किलोमीटर दूर से अगर मुझे भीड़ दिख रही है अपनी तरफ आते हुए, मैं इसको भीड़ के ऊपर लेके जाऊंगा और रिमोट के थ्रू मैं इसका जो पेपर स्प्रे है उसको मैं ऑन करूंगा और वो स्प्रे करेगा भीड़ के ऊपर। जब स्प्रे करेगा भीड़ के ऊपर तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे उसका वो गिरेगा पाउडर और लिक्विड गिरेगा वहाँ पे मुझे इरिटेशन होगी। अगर मेरी आँख में जाएगा तो मैं आँखें में अपनी आँखें बंद करनी पड़ेगी, और नाक में जाएगा तो मैं छींके मारूंगा, तो इससे क्या होगा? इसमें आपने बताया यहाँ पर मिर्च पाउडर होगा सर, ये अंदर कितना क्राउड सर ये जो कंट्रोल कर सकता है अगर कहीं पर इस तरह की स्थिति होती है? तो 1000-2000 का क्राउड हो तो अगर आप इसको उस डिस्टेंस पे करेंगे, बिकॉज ये ऊपर से कर रहा है, ऊपर से बारिश की तरह आपके ऊपर गिरेगा, ये एक के ऊपर नहीं करते। जब बारिश तो देखिए, बारिश तो आप 1000-2000 लोगों को बारिश को, तो ये बारिश की तरह काली मिर्च की बारिश करेगा लोगों के ऊपर, और उसके लिहाज से आदमी जिसके ऊपर लगेगा वो भीड़ के कारण उसको खुजली होगी सब कुछ, वो भाग जाएगा। तो पुलिस का जो काम है भीड़ को भगाना होता, भीड़ को मारना नहीं होता, तो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। चलते सीधे आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और इस एक्सपो में भी थे, तमाम तरह के हथियार आनंद यहाँ पर दिखाए गए, और सबसे खास बात ये कि मेक इन इंडिया का जलवा यहाँ पर दिखा है, यानी वो तमाम हथियार जो कि हिंदुस्तान में बने हैं। आनंद मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि यहाँ पर जी तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल नवजोत, 3 दिन का ये सिक्योरिटी एक्सपो है सीआईएसएफ का, और इसमें कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार, कई ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों को यहाँ पर रखा गया है प्रेजेंटेशन के लिए, जो न केवल हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे, हिंदुस्तान की जो आर्मी या फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको नई नई तकनीकों से अवगत कराएंगे। यहाँ पर एक फेंसिंग थी जो अब तक इसराइल में यूज होती है, इसराइल के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर उन फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में अब सेना इसका इस्तेमाल करेगी, इस तरह की जो फेंसिंग है उन्हें लगाया जा रहा है, जिससे कि जो सीमा पार से घुसपैठ लगातार हो रही है, जैसे उरी में भी हमने देखा, इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कई अत्याधुनिक उपकरण ऐसे हैं, चाहे मशीन गन की बात की जाए या शॉटगन की बात की जाए, या दंगाइयों से निपटने के लिए, दंगे की स्थिति से निपटने के लिए इस तरह के कई उपकरण यहाँ पर रखे गए हैं। ड्रोन कैमरे रखे गए हैं, मिर्च ड्रोन कैमरे रखे गए हैं, रोबोट रखे गए हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, बुलेट गन्स यहाँ पे रखी गई हैं, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पे मेरे पीछे ये वो मिर्च ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया गया है कि किसी तरह की भी जो आपात स्थिति अगर होती है देश में, जिस तरह की कश्मीर में देखने के आया था कि वहाँ पत्थरबाजी काफी हुई थी और जो दंगाई थे उन्होंने काफी ज्यादा वहाँ पे टेंशन किया था, उनको रोकने के लिए जो इस तरह के जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं नवजोत, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और कई ऐसे उपकरण है जो भारतीय सेना या भारतीय पुलिस के पास अब तक नहीं है, जिन्हें अगर बेड़े में शामिल किया जाएगा तो हमारी जो मजबूती है देश की वो काफी हद तक और ज्यादा मजबूत हो सकती है, और जो बिल्कुल आनंद ताकत और ज्यादा बढ़ेगी।